हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट बी की डीआरडीओ में 589 वैकेंसी निकाली गई हैं और डीएसटी में 8 वैकेंसी। इसके अलावा एडीए डिपार्टमेंट में 43 वैकेंसी निकाली गई हैं। इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अन अकेडमी द्वारा कोर इंजीनियरिंग जैसे की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर सिविल इंजीनियर्स के लिए फ्री सर्टिफाइड वर्कशॉप स्टार्ट की जा रही है, जो आपके जॉब के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इसका प्राइस जो है 999 है, लेकिन ये आपको अभी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और ये सर्टिफाइड वर्कशॉप है, इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर टॉपिक्स की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ मैटलैब इन इंडस्ट्री, मैक्ट्रॉनिक्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसके अलावा लर्न कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यूजिंग प्राइमावेरा। इसके साथ ही अन अकेडमी द्वारा स्कॉलरशिप टेस्ट स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये टेस्ट जो है टेक्निकल और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। 6 और 9 तारीख को शाम को 6 बजे होगा। तो फ्री में एनरोल कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर एसआर अड्डा कोड यूज करके फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 135 डीआरडीओ में एडीए में 12 और डीएसटी के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। वहीं पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 132 डीआरडीओ, एडीए के लिए 17 और डीएसटी में 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के लिए 104 वैकेंसी डीआरडीओ, एडीए 4 और डीएसटी 2। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 25 वैकेंसी डीआरडीओ, एडीओ 2, डीएसटी 1 और मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग एंड मेटेरियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में 15 वैकेंसी डीआरडीओ के लिए, फिजिक्स की डीआरडीओ में 14 वैकेंसी। वहीं पर केमिस्ट्री के लिए 25 वैकेंसी है और केमिकल इंजीनियरिंग डीआरडीओ 16 और डीएसटी 1 वैकेंसी है। अगर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो डीआरडीओ में 22, एडीए में 7 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स की 7 वैकेंसी निकाली गई है डीआरडीओ के लिए। सिविल इंजीनियरिंग की डीआरडीओ के लिए 6 वैकेंसी है। वहीं पर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए डीआरडीओ के लिए 1 वैकेंसी, एडीए के लिए 1 वैकेंसी है। मटेरियल साइंस में 9 वैकेंसी है डीआरडीओ के लिए। नेवल आर्किटेक्ट डीआरडीओ के लिए 3 वैकेंसी है। और वहीं पर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डीएसटी की 1 वैकेंसी है। एटमॉस्फेरिक साइंस डीआरडीओ 1 वैकेंसी, माइक्रोबायोलॉजी डीआरडीओ 3 वैकेंसी और बायोकेमिस्ट्री के लिए डीआरडीओ में 2 वैकेंसी है। तो टोटल इस तरह डीआरडीओ में 528 वैकेंसी, इसके अलावा 51 बैकलॉग वैकेंसी है और एडीए में 43 वैकेंसी, डीएसटी के लिए 8 वैकेंसी है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग की सभी जॉब्स के लिए आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए जिस ब्रांच में आप अप्लाई करेंगे। वहीं पर केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और सभी लोगों को गेट क्वालिफाई होना चाहिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।